अस्सलाम वालेकुम क्लास, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं एक नए लेक्चर में। जैसा कि मैंने वादा किया था कि अब हम जुमलों के बजाय अब हम पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे, तो ये हमारे सामने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसे हमने अंग्रेज़ी में इसका तर्जुमा करना है। ट्रिक क्या है इसकी, जुमले बाई जुमला, यानी कि जुमला पकड़ के रखना है आपने। एक जुमले को ट्रांसलेट किया, फिर एक और को किया, फिर जुमले को ट्रांसलेट करते जाएंगे, बहुत आसानी से आपका ये पैराग्राफ हो जाएगा। मैं एक बार पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि कोई मुश्किल अल्फाज आपको ना लगे। तंदुरुस्ती बड़ी नेमत है, लेकिन आदमी जब तक तंदुरुस्त रहता है इस नेमत की कदर नहीं करता। जब कोई मामूली बीमारी इसे आ कर घेर लेती है कमा, तब इसकी कदर मालूम होती है। अगर जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ़ हो जाती है तो सारा जिस्म इसका असर महसूस करता है। तंदुरुस्ती हो तो खाने पीने, चलने फिरने और काम करने में जी लगता है। सेहत ख़राब हो जाए तो किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता। जो लोग अक्सर बीमारी में मुब्तला रहते हैं वो लोग ही सेहत की असल कीमत जानते हैं। ये आपका असल पैराग्राफ था, इसे आपने इंग्लिश में तर्जुमा करना है। इसका आप इसका इंग्लिश में तर्जुमा करिए, वीडियो यहाँ पर रोक लीजिए, और एंड में वीडियो के एंड में आंसर का पैराग्राफ पूरा मौजूद है, वो आप देख लीजिएगा, उस हिसाब से इसे टैली करके फिर अपनी करेक्शंस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए लेक्चर में मुलाकात होगी एक नए पैराग्राफ के साथ। अपना ख्याल रखिए, तब तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।